जो कि है मेरे ही रिजॉर्ट की, मेरे ही रेस्टोरेंट की, जो कि है सवात में। सो गाइज, काफी टाइम से आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि यार हमें फुल डिटेल वीडियो चाहिए कि रूम के चार्जेस क्या है, रेस्टोरेंट के चार्जेस क्या है, हम कैसे यहाँ पर आके सर्विसेज ले सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपनी वेकेशंस को। आज मैं आपको अपने इकलौते वाहिद रिजॉर्ट की और वाहिद रेस्टोरेंट की आपको मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग इसको देखें और आप लोग इधर आके इंजॉय कर सकें अच्छे से। तो जो भी प्राइस होंगे और जो भी खाने का प्राइस होंगे वो सब इस वीडियो में होंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो होने जा रही है, बट ये मेरी फर्स्ट एवर वीडियो है जो कि व्लॉग नहीं है, डिटेल वीडियो है। सो वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। हमारा मेन एंट्रेंस है जहां से हम गाड़ियों को ऊपर एक्सेस देते हैं पार्किंग के लिए। सो हम भी यहीं से जाएंगे रिसेप्शन की तरफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं, तो आ चुके हैं रिसेप्शन पे और हम पूछते हैं अभी कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि एक रिजॉर्ट के अंदर अवेलेबल है। हमारे पास 4 कैटेगरीज है, एक स्टैंडर्ड है, एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है और एक रेंटल स्वीट है और एक रेजिडेंशियल स्वीट है। अच्छा, 4 कैटेगरीज हमारे पास। 4 कैटेगरीज है सर। तो 4 कैटेगरीज विजिट करने के लिए हमें कीज की जरूरत होगी, तो प्लीज एक एक की दे दें आप सारी कैटेगरी की। ओके सर, ताकि हम विजिट कर सकें ना। तो मिल चुकी है हमें की, चलो करते हैं विजिट। हमारे स्टैंडर्ड रूम में जाने के लिए रिसेप्शन से बहुत ही करीब रास्ता है, बट ये रेस्टोरेंट से भी कनेक्ट करता है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऊपर से। अब हम आ चुके हैं अपने स्टैंडर्ड रूम की तरफ। हमारे पास स्टैंडर्ड रूम जो है टोटल वो है 20 से 21 रूम, लेकिन हम सिर्फ एक विजिट करते हैं क्योंकि अगर सब विजिट करने लगे तो काफी बड़ी वीडियो जाएगी। तो एक जो दिखाएंगे वही सब सेम रूम होंगे जितने भी स्टैंडर्ड में होंगे। आइए आइए। सो ये आ चुका है हमारा स्टैंडर्ड रूम। इधर से हमें व्यू मिलता है जंगल का। ओ हो, इसके जो कॉर्नर वाले रूम है ना, उधर से तो सारा रिवर का व्यू दिखता है, बट अंदर जो है वो जंगल का व्यू दिखता है। और कहीं कहीं पर ये डबल बेड्स हैं और कहीं कहीं पर किंग और क्वीन बेड भी है। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। नाइस। एक स्टैंडर्ड रूम के हवाले से ये रूम काफी अच्छा है। ये आ गया हमारा टीवी जो कि है एंड्रॉयड, जिसमें नेटफ्लिक्स यूट्यूब सब चलता है। और ये आ गई हमारी भाई छोटी सी बैठने की जगह, जहां पर आप, इधर भी सोफा होता है बट वो भी शायद सफाई पे गया हुआ है, तो आप गपशप कर सकते हो, चाय वाय पी सकते हो, ये इसको वहां पर भी सेट कर सकते हो और विंडो खोल कर मजे कर सकते हो। ये आ गया भाई टेलीफोन जो कि आप नीचे कॉल मिला सकते हो, रिसेप्शन पे कुछ चाहिए हो, इधर बैठ के खाना हो, पीना हो, नाश्ता करना हो। दूसरा ये सबसे बड़ा मसला होता है चार्जिंग का, तो चार्जिंग भी हमारे पास। और ये आ गई भाई मेकअप की टेबल जो कि एक अच्छी साइज में, और ये अलमारी एक। तो इस स्टैंडर्ड जितने भी रूम्स के चार्जेस हैं वो है 9000 ओनली। तो हो गया हमारा भाई स्टैंडर्ड रूम का टूर, और अब हम चलते हैं भाई अपने एग्जीक्यूटिव रूम की तरफ। तो इधर से ही कनेक्टेड है भाई, ऊपर जा सकते हो, मतलब काफी हमारी चीजें ऐसी हैं कि हर जगह से कनेक्टेड। हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, ये हमारा पोर्शन सब जगह से कनेक्टेड है, लाइक छत से भी कनेक्टेड है और नीचे रेस्टोरेंट से भी कनेक्टेड है और रिसेप्शन से भी कनेक्टेड है। बाकी जो हमारे रूम्स है ना वो रिसेप्शन से ज्यादा करीब है। चलो चलो चलो। एग्जीक्यूटिव रूम में जाने के लिए भी यहाँ पर दो रास्ते, एक यहाँ से और एक ऊपर से, तो हम यहीं से चलते हैं, यहाँ से करीब है। अब हम आ गए हैं भाई अपने एग्जीक्यूटिव रूम की तरफ, जिधर है भाई टोटल 12 रूम। ये पूरा कॉरिडोर है और इसके साइड पर, राइट साइड पर सारे रूम्स आते हैं, रूम। और 5 के साथ जो है वो बालकनी है, लाइक बालकनी में बाहर बैठ के आप टी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अभी सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ए साइड वाले रूम। सो कम ऑन। लिटरली यार मुझे खुद को इतना मजा आता है अपने रिजॉर्ट को एंजॉय करते हुए, और तो मैं दिल कहता बस मैं यहीं रहूं, लेकिन अभी रहते नहीं, अभी विजिट करते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले आ चुका है यहाँ पर एक बेड जो कि है भाई एक किंग साइज, और उसके साथ आपको यहाँ पर सोफा मिल जाता है। थोड़ा बहुत से लोग बैठते हैं, पसंद करते हैं बैठना, और किसी को लेटना होता है तो वो बेड एंजॉय करता है। और उसी के साथ आ चुकी है यहाँ पर एक, और यहाँ पर आ जाता है भाई व्यू जो कि एक विंडो का व्यू है। तो आए
इधर से आपको मिलता है गार्डन व्यू, बट ये यार ये खुलता नहीं है। हमने इधर लगाया भाई चाइल्ड सेफ्टी, क्योंकि बच्चे भी आते हैं रुकते हैं और वो विंडो से गिर भी सकते हैं, तो हमने इसको क्लोज कर दिया है। बट आपको इधर से एयर मिलती है ठंडी ठंडी फ्रेश फ्रेश। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। अरे लाइट कहां से खुलेगी, लाइट 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 लाइट, खुल गई खुल गई। आ जाओ। सो ये आ गया हमारा वॉशरूम। अरे ये तो मुझे बेडरूम लग रहा है, काफी बड़ा है। अच्छा, कमोड प्लस WC और सिंक एक, और उसके साथ ये छोटी मोटी सी चीजें जो कि आपके पास आ जाती है, डेंटल किट, कॉम्ब, सोप, शेविंग किट और बाथ का भी सामान। तो ये अच्छा है कि सारी सर्विसेज अवेलेबल है। ये है हमारे एग्जीक्यूटिव रूम, जिसकी है प्राइस ओनली 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 50,000। अच्छा, ये जो प्राइसेज है ना, ये फ्लक्चुएट हो सकती है, मतलब कम भी होती है ज्यादा भी होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सीजन वाइज और नॉन सीजन वाइज। अब चलते हैं हम अपने बालकनी वाले रूम की तरफ। जितने भी रूम है साइड पे, वो हमने थोड़े से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थीम के रखे हैं, तो आपको जो पसंद आता है आप वो चूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जीक्यूटिव रूम, ये भी सेम है बट इसके अंदर बालकनी एड है और एक बड़ा सा सोफा एडेड है भाई। ये थोड़ा सा बड़ा रूम है उससे यार, बट प्राइस सेम है। ये चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा चाहिए और कौन सा अवेलेबल होगा, बालकनी वाला या वो वाला। तो हमने एक्सप्लोर तो कर लिया है काफी है, सेम वॉशरूम है, सेम बेड है और थोड़ी सी अलग कलर की थीम है, तो बालकनी हमने एक्सप्लोर करनी थी। तो आइए, इसकी जो विंडो है ना वो पूरी खुलती है, लाइक इसका ये भी खुलता है कि आप बाहर जा सकते हो। बट ये भी थोड़ा सा रिस्की है, बट मैं यही कहूंगा जो छोटे बच्चे आते हैं उनको चाहिए कि अवॉइड करें इधर से बैठने से, जिससे मैं बैठा हूँ, मुझे कंट्रोल है अपने ऊपर, तो मैं बैठ के यहाँ पर अच्छा से रिलैक्स कर सकता हूँ। और एक चीज़ और है, जो अंदर कुर्सियाँ पड़ी हैं वो आप बाहर ला के बैठ के इधर टी इंजॉय कर सकते हो और काइंड ऑफ लंच भी। तो ये हमारा सेम प्राइस है 15,000। और अब हम चलते हैं भाई अपने प्रेजिडेंशियल सुइट की तरफ, लेट्स गो। गाइस कोई रुकने आया वो ऊपर, और उसका बैग उधर रखा था, वो कट्ठी करते 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 इधर तक आ गया। असल में ये ढलान भी है ना, ये चेक तो करो। अगर ये गिरता रहता हम देखते नहीं, तो नीचे चले जाता सीधा पानी में। तो भागते भागते आ गए भैया, अब अपने विलेज की तरफ। पहले हम आपको दिखाते हैं विलेज, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंशियल सुइट के अंदर ना अभी फैमिली रुकी हुई है जो कि सब्सक्राइबर्स ही हैं, तो हमने उनको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट के अंदर हमने रूम दिया है, तो वो भी आपसे पूछवाएंगे कि क्या डिस्काउंट दिया। पहले हम चलते हैं विलेज की तरफ। तो इस विलेज के अंदर सबसे पहले आता है भाई ये छोटा सा गार्डन, जो कि इधर से कनेक्टेड है। जैसे आप इधर से घुसोगे तो आप इधर भी जा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी आप खा पी सकते हो, बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। और उसी के साथ साथ फिर जाके एक और गार्डन अंदर आने वाला है, वो भी दिखाते हैं, बट ये पुश करके इसको खोलते हैं। 1, 2, 3। ये हमने पूरा ओल्ड एज डिज़ाइन दिया है इसको, और इसमें से खुशबू जो है ना, लाइक उसको थोड़ा सा कह सकते हो कि पुराने ज़माने, थोड़ी सी लाइक ये कह सकते हो कि बहुत ओल्ड एज चीज़ों से जो महक सी आती है ना, आपको लगता है कि यार हाँ ये काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है, तो उस तरह का हमने इसको डिज़ाइन दिया है। और खुशबू भी बिल्कुल सेम आती है, तो जब आप यहाँ रहोगे ना तो आपको फील आएगा कि आप किसी बहुत ही ओल्ड एज प्लेस पर रह रहे हो, तो ये काफ़ी मज़े का है। सो ये आ गया एक और गार्डन, और इसी के साथ हैं भाई यहाँ पर 1, 2, 3 रूम्स, तो इस रूम को भी विजिट करते हैं। थैंक यू भाई विजिट कराने से पहले। थोड़ी गर्मी हो रही है आजकल, तो शेक आ चुका है हमारा बनाना का। थैंक यू, मैंगो शेक है, काफी मजे का। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी बैठक की तरफ, जो कि हमारे सुइट के साथ आपको फ्री मिलती है। आ जाए। सो ये है आप लोगों की बैठने की जगह, जहाँ पर आप लोग सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर शाम में बाहर निकलते और गार्डन एंजॉय करते और रात को बैठक एंजॉय करते हैं। आइए, गर्मियों के लिए तो आप लोग को एसी मिलेगा, वो रहा, और सर्दियों के लिए आपको हीटर मिलेगा जो कि ओल्ड स्टाइल है।
तो यहाँ बैठ के हाथ सेक सकता है बंदा, गपशप लगा सकता है, बातचीत कर सकता है, और भी उसको कुछ चीज चाहिए हो, कोई वांट हो तो वो भी उसको अवेलेबल हो सकती है। सो यस, तो ये हो गया हमारा बैठने की जगह। अब चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। तो आई तो आते आते काफी इधर भी चरपाई है, उधर भी चरपाई है, उधर भी चरपाई है, सब जगह आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, फैमिली को टाइम दे सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, पीस कर सकते हो। सो काफी सारी चीजें कर सकते हो। इस तरफ आ गए कुछ बर्तन, अगर आपको खुद से कुछ खाना बनाना है तो यहाँ पर पीस लो, लेकिन घर जाके बनाना क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट की सर्विस है सिर्फ पीसने का अलाव है। सो आइए बेडरूम की तरफ। ऑलरेडी खुला भाई, तो हाँ तो आ गए बेडरूम के अंदर। और सबसे पहले तो हमारी जंप बनती है क्योंकि हमें खुद दिल करता है कि हम जंप मार के सोएं और लेटे सोएं। 1 2 3 ओए होए होए, नींद आ जाएगी गाइस, नींद आ जाएगी। सो ये छोटा सा बैठने का एरिया बना दिया हमने, और ये बेड हो गए दो, और इसके साथ ये जो पूरी वॉल है, ऊपर की छत है, ये सारी ओल्ड डिज है। तो आइए अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ इसके। 1 2 3 वेयर इज लाइट, वेयर इज लाइट, लाइट 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 लाइट, यहाँ से ओए ओए, ठंडा ठंडा कूल कूल सा वॉशरूम। सो सारी फैसिलिटीज है जो कि एक नॉर्मल फैमिली होम के अंदर होती है। एक तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे क्योंकि आपने घर में करते नहीं है, ये होटल है तो यहाँ पर करने पड़ेंगे। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज मिलती है, वो ये होती है कि सर्विस। आप कॉल करो, सर्विस आपको अवेलेबल होगी। आपको खाना रूम में खाना है, वो आपको अवेलेबल होगा। आपको कुछ चाहिए, वो आप कॉल करो, वो आपको अवेलेबल होगा। और आप बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। सो अब चलते हैं सुइट के तीसरे रूम की तरफ, लेट्स गो। सबसे बड़ा रूम हमारे पूरे रिजॉर्ट का, इसमें 10 बंदे आ सकते हैं, बट 10 बंदों को हम नहीं छोड़ते भाई, हम पूरा सुइट देते हैं भाई। अगर सुइट में 3 कमरे आपको मिलेंगे तो 3 मिलेंगे, अगर आप 2 हैं तो 2 मिलेंगे। तो यस, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सुइट है जिसमें एक विलेज आता है और एक ऊपर आता है प्रेसिडेंशियल। तो या अभी हम इसको विलेज करते हैं। इधर सबसे पहले हमारे पास आता है एक टीवी जो के है भाई एंड्रॉइड, और इस पर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एवरीथिंग जो देखना देखो। इसके साथ सोफा आ जाता है, हमने सोफा यहाँ रखा है, बट आप यहाँ भी रख सकते हो अगर आपको बेड से नहीं दिख रहा। तो इधर एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, इधर 2 विंडोज है, एक ये और एक वो, तो हमें यहाँ से भी व्यू मिलता है जंगल का। सब रात को ठंडी ठंडी हवा खाओ जंगल की, और दिन में अगर ठंड में आते हो तो ठंडी ठंडी हवा खाओ। स्पेशली जो रिजॉर्ट है ना, एक तो होता है कि आप यार सिटी में होते हो, और दूसरा कि आपने किसी फ्लैट जगह बनाया होता है। ये रिजॉर्ट हमने टोटली हिल पे बनाया हुआ है, लाइक यू है रिजॉर्ट ये। तो हर जगह आपको पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, वाइब मिलेगी, फ्रूट के मतलब थोड़े बहुत से दरख्त मिलेंगे, फूल वूल मिलेंगे। सो वॉशरूम देख रहे थे, वॉशरूम मिस कर दिया यार इतनी खूबसूरती के चक्कर में, आ जाओ। सो ये आ गया हमारा मेकअप लेडीज के लिए, और वॉशरूम जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए। आइए, आए वॉशरूम में सिंक, WC, कमोड और बाथ की जगह। तो काफी क्लियर बात करेगा, बंदा लेट के नहाएगा क्या यूं करके? यूं करके नहाएगा बंदा? नहीं, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ना। अच्छा, एक तो मैं आपको अपना रिजॉर्ट दिखा रहा हूँ, दूसरा मैं बता चलूँ, इसमें हम काफी चीजें मतलब इम्प्रूव करेंगे जो कि हमें लगता है कि बेस्ट से बेस्ट हो, जो कि आपको बाहर के ममालिक में मिलती है। सो वो कोशिश करेंगे कि यार एक पहाड़ के ऊपर हम इस तरह की फैसिलिटीज लाएं ताकि लोग उससे भी खुश हो सके। और ये आ गई अलमारी, ओए काफी भारी है, 1 2। तो ये विलेज का आपने विजिट किया, और ये विलेज हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 35,000 का, एक दिन का तीनों रूम, लाइक पहाड़ के ऊपर और इतने अच्छे व्यू के साथ, जिसमें आपको रिवर दिखता है, जिसमें आपको पहाड़ दिखते हैं, जिसमें आपको खुद का सुकून मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ 35,000 का है। बड़े बड़े जितने भी होटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने एक एक रूम का अगर अच्छे व्यू पे बना हुआ, अच्छी सर्विस है, तो वो चार्ज करते हैं 40 to 35 समथिंग इस तरह। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सुइट के जिसमें 2 रूम है, 3 रूम है, वो हम इतने कम बजट में प्रोवाइड कर रहे हैं। वन एंड लास्ट जो हमारा रह गया वो रह गया प्रेसिडेंशियल सुइट, ये वाला सबसे ऊपर, जहां पर हम लोग एक दिन रुकने आए थे, बट हमें बासिल ने रुकने नहीं दिया था। ये रूम अभी
कोई गेस्ट के पास है, गेस्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम विजिट कर लें। सो गेस्ट अगर परमिशन देंगे तो ही करेंगे भाई। भाई वैसे होता पूरा रिजॉर्ट हमारे अंडर है, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है ना तो वो चीज़ गेस्ट के अंडर होती है। ये हमेशा याद रखना कि गेस्ट की वैल्यू फर्स्ट हो जाती है, फिर आपकी वैल्यू सेकंड हो जाती है, क्योंकि वो आपको पे कर रहा होता है। सो परमिशन लेते हैं और करते हैं विजिट। कोई है? एक्सक्यूज मी, कोई है? अस्सलाम वालेकुम, मज़ा आ रहा है? पक्का? कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। कोई है अंदर? अम्मी अबू हैं। अच्छा, तो परमिशन लेनी थी एक, उनको बुला दोगे? बाबा को बुला दोगे? इधर से बहुत कमाल का व्यू है इस साइड से, ये सबसे ऊपर से जो व्यू है ना, आह हा हा, लेवल। परमिशन मिल चुकी है हमें, बट हमें एक रूम की परमिशन मिली है, तो हम आपको वही दिखा देते हैं क्योंकि हमें वीडियो जो है वो आज ही बनानी है। सो लेट्स गो। तो अभी इंटर होने लगे हैं भाई हम अपने प्रेसिडेंशियल सुइट के अंदर। सबसे पहले हमारी ये बेस्ट सी लॉबी आती है जो कि प्रेसिडेंशियल सुइट की है, और इधर की वॉल जो कि वुड से बनाई गई है। इधर खड़े होकर आपकी अच्छी अच्छी वीडियोस पिक्चर्स आ सकती है। काफी ठंडा हो रहा है यार, इसी से चल रहा है। सो आ जाओ। तो आ चुके हैं सबसे बड़े रूम में, लाइक ये उससे तो छोटा रूम है जो हमने अभी देखा था। तो ये एक रूम हो गया जिसमें सबसे बड़ी एलईडी लगी है। वेट, ये आ गई सबसे बड़ी एलईडी, और समथिंग ये 70 इंच की तो होगी, 52 इंच। 52? ओ, मैंने गलती से बड़ा बोल दिया, बट 52 इंच की है। इधर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब चल रहा है? नहीं चल रहा? जी जी चल रहा है। अच्छा, और ये आपको रूम कितने का मिला है? मतलब ये पता नहीं, मेरे फादर ने बुक कराया था। अच्छा, फादर ने बुक कराया था। कोई डिस्काउंट वगैरह दिया? नहीं दिया उन्होंने? नहीं, डिस्काउंट अच्छा मिला। पक्का? जी। सच में? जी जी। देख लो, क्योंकि मैंने तो नहीं दिया आपको। मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? ये आपकी ऑनेस्टी भी लेना चाहता हूँ मैं। नहीं, मजा बहुत आ रहा है। पक्का? जी जी। व्यू सही मिल रहा है बाहर का? व्यू बहुत अच्छा है। ओके भाई, थैंक यू। चलो एंजॉय करें, ठीक है। सो एक ये रूम था और दूसरा ये रूम था। वैसे जो जो लोग व्लॉग देखते हैं उन्होंने तो पहले देख चुके हैं ये रूम्स वगैरह, क्योंकि मैं व्लॉग में ही बताते रहता था, बट ये डिटेल वीडियो थी जिसमें मैंने प्राइसिंग बतानी थी और जिसमें मैंने आपको अच्छा सा विजिट देना था, खाली खाली सा। तो इस प्रेसिडेंशियल सुइट के जो चार्जेस हैं वो भी हैं भाई 350000, मतलब के 35,000 रुपीस जस्ट। ये दो रूम आपको 35,000 के मिल रहे हैं, जिसमें आपको बड़े से रूम, बड़ा सा वॉशरूम और अच्छी खासी सर्विस, जैसे कि आपने रिव्यू देख लिया है इन बच्चों का, बच्चे मन के सच्चे। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आए अच्छे से डिस्काउंट लें। ये लोग रुके हैं दो दिन के लिए, जो हम एक बारी में चार्ज कर रहे हैं 35,000 एक सुइट के, वो हमने इनको दो दिन के दिए हैं। जो पहले आया उसने अच्छा ही पाया। तो अगर आप जल्दी आते हैं, जल्दी विजिट करते हैं इस चीज़ को, थोड़े दिन रुकते हैं, रेस्टोरेंट खाते हैं, पीते हैं, तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। चाहे आप ये सुइट लें, चाहे आप ये सुइट लें, लेकिन पूरा रिजॉर्ट घूमना आपको अलाउ है। कई जगह पे होता है कि यार रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई आपने ये रूम लिया तो आप इधर ही रहो, आपने ये रूम लिया तो आप इधर ही रहो। इन फ्यूचर यहाँ पर हमारे पास प्ले एरिया होगा नीचे की साइड पर, जहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह होंगे और गिफ्ट शॉप होगी और जिम होगा। अच्छा, तो हम चलते हैं अभी ऊपर की तरफ और चीज़ और दिखाते हैं। तो ऊपर चलते हैं, आ जाए। भागो 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 भागो। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल। एक अच्छी बात भी है यहाँ की, वो ये बात है कि आपकी वॉकिंग भी हो जाती है, मतलब आप भागते हो, चलते हो, ऊपर नीचे करते हो, तो आपका जितना भी अंदर का सिस्टम है वो रनिंग में आ जाता है। चलो तो अब हम आ गए अपने टॉप के व्यू पे, जहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का व्यू मिलता है, लाइक देख सकते हो आप। रियल आई में देखने का मजा अलग है और कैमरे में देखने का मजा थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास है भाई ये फाउंटेन, लेकिन मैं समझ रहा था अभी ये बन रहा था, मुझे लगा था कि ये बॉनफायर के लिए बन रहा होगा, बट मुझे पता लगा कि यहाँ पर आएगा एक फव्वारा। तो इसी के साथ ये आ गया हमारा बैठने की जगह, जहाँ पर आप डाइनिंग कर सकते हैं। डाइनिंग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर बैठ के सुकून ले सकते हैं, वो भी नी चेयर्स, एक ये भी नी। आप लोग क्या समझ रहे हो भाई, किसी को अगर जहाज में आने, हेलीकॉप्टर में आने, तो वो भी रखा हमने भाई, हेलीपैड बनाया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो गाइस, ये देखो भाई, ये इधर किसी का जा उतरना चाहे तो उतार ले भाई, हम नहीं मना करेंगे उसको, पैसे भी नहीं लेंगे, उतारे बस रूम में, रूम में रहने के पैसे लेंगे, उतारने के नहीं लेंगे। तो उतारने तो उतार सकते हो, बस ये देख लेना कहीं वहां ना उतार दो यार, यहीं उतारना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया, जो कि एक बिजनेस से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, बर्थडे से रिलेटेड है, वो है यहाँ पर इन फ्यूचर एक हॉल अच्छा सा, जिसमें आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपकी बर्थडे मन सकती है, जिसमें आपकी शादी हो सकती है। तो इन फ्यूचर यहाँ पर हम प्लान करने वाले हैं एक अच्छा सा हॉल, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी अभी भी है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी जगह है। तो अगर आप
मीटिंग्स करना चाहते हैं, आपका पूरा पूरा कंपनी का एक स्टाफ आना चाहता है, तो वो भी आ सकता है और वो भी रुक सकता है, वो इन्जॉय कर सकता है। तो हमारे पास सारी अवेलेबिलिटी है। तो नंबर जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो आप उधर से जाकर कॉल कर सकते हैं और जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो आप कॉन्टैक्ट से मालूम कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको मिलेगी लाजमी। हमारे पास गीज़र भी है, हमारे पास जनरेटर भी है, लाइट नहीं होती तो जनरेटर चलता है और अगर ठंडा पानी हो तो गर्म पानी भी आता है। और हमारे रिजॉर्ट में जब तक आप देख रहे हो व्लॉगर, जब तक आप आने की सोच रहे हो, तो जब तक जो है ना हमारा फाइबर नेट भी लगने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी नेट की। भाई नेट की टेंशन बहाल कर दी आपके भाई ने, जो मुझे प्रॉब्लम होती थी ना उस सब का सोल्यूशन निकाला है। तो भाई ये वाली बात है, जिसमें मैं रिलायबल हूँ उसमें सारे गेस्ट भी रिलायबल होने चाहिए। फ्रेश दुम्बे लगते हुए, बिल्कुल ताज़े दुम्बे हमने यहाँ पाले हुए हैं और ये जो है ताज़े कटते हैं यहाँ पर और फ्रेश लगते हैं। और ये भी देखो अभी अभी फ्रेश कट करके इधर लगाया जा रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने रेस्टोरेंट का टूर। और हो चुकी है भाई इस टाइम पे बिल्कुल रात, देख सकते हो आप यार रात सुहानी और खाना लजीज। तो दिल थाम के बैठ जाओ, पानी आने वाला है मुंह के अंदर। चलो मेन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये है एमएस का स्पेशल मेन्यू, तो चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें एपेटाइजर आ जाता है, सैलेड आ जाते हैं, सूप आ जाता है, चाइनीज आ जाता है, चाउमीन आ जाती हैं, राइस आ जाते हैं। तो ये है भाई हमारा मेन्यू, काफ़ी बड़ा है भाई, और लेकिन मैं तो पूरा ऑर्डर कर नहीं सकता, बट मैं आप लोग को कुछ स्पेशल चीज़ें खिला देता हूँ, लाइक दिखा देता हूँ यार, खा मैं लूँगा और टेस्ट आप लोग कर लीजिएगा। अभी हम लोग किचन विजिट करने लगे हैं, जहाँ पर हमारे लिए बर्गर बन रहा है और स्टेक बन रहा है और सैंडविच बन रहा है और फ्राइड राइस बन रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि कैसे मेक हो रहा है। सबसे पहले भाई स्टेक देख लेते हैं कैसे बन रहा है हमारा। आओ 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 आओ, क्या बात है शेफ साहब, इधर आए शेफ साहब। हमारे स्टेक में क्या क्या देने लगा, ये क्या है, ये क्या, ये क्या है? पहले हम सर गार्लिक थोड़ा सा सोते करेगा, तो मशरूम सोते करते हैं, साथ साथ व्हाइट सॉस डालते हैं और ब्रिश क्रीम डालते हैं, साथ में हम ये टच देते हैं। अच्छा, ये सारे मसाले वगैरह आएगा जो कि मुझे तो पता ही नहीं है, ये सारे जो है भाई इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए जो कि हमारे स्टेक में डलेंगे। और यहाँ पर बनने लगा है हमारे भाई फ्राइड राइस। यहाँ पर तो भाई पिज्ज़ा बनना भी शुरू हो गया यार, हमने मिनी पिज्ज़ा बनवाया अपने लिए ताकि हम पूरा खा सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाने हमने बनवा लिए, तो इसलिए भाई काफ़ी ज़्यादा चिकन डाल दिया आपने यार। भाई दूसरे रेस्टोरेंट वाले इतनी डालते यार, थोड़ी कम डालो यार, कम डालो थोड़ी भाई, मजाक करो, डाल दो भाई, देख रहे हो क्वान्टिटी हम काफ़ी अच्छी रख रहे हैं कि जो कस्टमर आए ना उनको मज़ा आ जाए। रेडी है भाई ओवन में जाने के लिए ये। ओके जी भाई, कितने मिनट बन जाएगा हमारा ये पिज्ज़ा? कितने मिनट में? 7 मिनट में। जी सर। अरे वाह भाई, बड़ी जल्दी बना रहे हो। बाकी भी डिशेस की तैयारियां बन रही हैं यहाँ पर, अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप। ये चिकन टिक्का आ गया हमारे, ये क्या है जी? अफगानी टिक्का बीफ। और ये क्या है जी? अफगानी टिक्का चिकन। और ये क्या है जी? चिकन टिक्का। अच्छा, तो अभी तैयारी शुरू हो गई है। ये हमारा जूस बार आ गया भाई छोटा सा, क्योंकि जूस की डिमांड यहाँ पर कम है, तो हमने एक मशीन लगाई है, जैसी डिमांड बढ़ती है जूसेस की तो यहाँ पर 2-3 मशीन भी आ जाएंगी। सारी हमारी फ्रेश सब्जियाँ बड़ी हुई है आप देख सकते हैं। ये हमारा साथ तंदूर आ गया, जहाँ पर रोगनी नान, जहाँ पर सादा नान और गार्लिक नान, चपाती, सब कुछ मिलेगा। किचन में तो मैं थोड़ा थक गया हूँ यार, जरा कोल्ड ड्रिंक निकाल के पीते हैं, फांटा पीते हैं फांटा। आए फाइनली भाई हमारी चारों डिशेस जो है वो रेडी हो चुकी हैं और क्या ही लजीज व्यू दे रही है अपना ये। आए हाय हाय हाय, अभी सिर्फ व्यू दे रही है भाई, खाने में बताएंगे कि क्या व्यू दे रही है भाई। कौन सा स्टेक है भाई? ये मशरूम स्टेक है। रोलाड मीन अच्छा चिकन रोलाड, पहली बार खाऊंगा भाई मैं ये। और ये तो मैंने खाया है भाई, ये चिकन फ्राइड राइस है और ये पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा भी यहाँ का स्पेशल है भाई, ये कोई हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट का नहीं है, एमएस का पिज्ज़ा है। बहुत आला भाई, गाइस बहुत आला, थैंक यू सो मच यार। क्या बना रहे हैं आप इस वक्त? बारबेक्यू मटन चॉप्स, अफगानी चिकन बोटी, अफगानी बीफ बोटी, मलाई बोटी, सी कबाब, चिकन रेशमी कबाब। सो ये हमें खिलाएंगे पक्का? और यहाँ पर क्या बन रहा है? अरे कहाँ गए वाले? अरे भाई ताज़ा गोश्त कट रहा है भाई, वाओ। रिब्स रेडी कर रहे हो? आए हाय भाई, रिब्स हमारी कटना शुरू हो गई है। ओए 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 ओए, बस आराम से भाई। ये आ गया भाई हमारा स्टेक, वाओ। ये क्या आ गया, ओ माय गॉड। ये आ गया भाई हमारा, इसका फिर मैं नाम भूल गया, ये कोई फिल्टर्ड चिकन है और उसके साथ राइस है। गाइस एक बैड न्यूज़, मैं गया रिब्स देखने कि रिब्स आ रहे हैं,
बट मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कैंसिल करवा दिए। सो खैर, जो खाना का टेस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं सो आप वो देख लें, रिब्स आप लोग बाद में देख लीजिएगा क्योंकि हम हमारे ये यार हम दिखा देंगे, टेंशन भी ले रहे हो। तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं स्टेक से। स्टेक मोस्टली अब जो है वो तकरीबन रेस्टोरेंट में मिल जाता है, अवेलेबल होता है, और टेस्ट जो है वो भी लगभग सेम होता है, बट हमारा जो है ना वो थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें MS जो लग गया है गाइज। तो हम खुद टेस्ट बता देते हैं आपको कैसा है। या लिटरली पता है मुझे काफ़ी लगता है जब मैं पहाड़ पर बैठ के ये स्टेक खा रहा होता हूँ या दूसरी चीज़ें, तो मुझे कराची वाला फील आता है। अच्छा। हाँ, कराची में मैं जितने भी बड़े रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो सेम ही होता है। अच्छा, स्पेशली बात आपको बताना भूल गया कि हमारे जो शेफ्स हैं ना वो एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। किसी का 8 साल का है, किसी का 10 साल का है, और एक शेफ तो हमारे पास ऐसा है जो चाइनीज़ बनाता है। वो पता है कहाँ से है? चाइना से। हाय हाय। तो उसका जो है ना ये ट्राई करेंगे हम। आई थिंक ये भी उसने बनाया ना। यस, ये भी उसने बनाया। ये भी बनाया। तो बनता मजे का क्यों, एग्जीक्यूटिव शेफ है ना वो यार। हाँ, नाइस नाइस, बहुत अच्छा। अब हम ट्राई करते हैं भाई ये फ्रेंड चिकन विद राइस, लेट्स सी ये कैसा होता है। यार वैसे प्रेजेंटेशन जो है ना उसने मेरा दिल जिताया लिटरली उसने। फुल 5 स्टार। हाँ। मुझे मेरे ही शेफ और मेरे ही लोग 5 स्टार फील करवा रहे हैं। बाकी इतनी वाकई कसम से इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था कि मैं ठेला भी लगा सकता हूँ पता है एक टाइम पे, कसम से। सही बात है। और बस सब्सक्राइबर्स का प्यार, लोगों का प्यार, तो आज हम यहाँ पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारबेक्यू की तरफ। अरे लेवल लेवल जब प्रेजेंटेशन को जो है ना मैं रेट दूंगा 10 out of 10 प्रेजेंटेशन को। रियली? हाँ। इसके टेस्ट को मैं दूंगा 7 out of 10 यार, 7 out of 10, और इसको मैं दूंगा 10 out of 10। गुड, थैंक यू। अपने बनाए हो? थैंक यू बोल। नहीं, मेरा स्टाफ है भाई। ओह रियली? कसम से बहुत मजा आया, अफगानी बूटी ट्राई कर रहा हूँ। माइंड ब्लोइंग। मलाई बूटी माइंड ब्लोइंग। मुझे लगता है पहली बार है जो मैं खाना खाते हुए बातें कर रहा हूँ। स्कोर कितना है इसका? यार 10 out of 10 10 out of 10 सच में। थैंक यू गाइस। एक टेस्टिंग तो आप लोग कर रहे हो और दूसरी टेस्टिंग जो है ना वो मेरे जो पीछे बैठा हुआ मेरा दोस्त एक ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी और उसने बड़ा कमाल कर दिया। तो मेरा काम है सिर्फ रिव्यू देना और इन गलतियों को पकड़ना, बट बाकी बहुत मजा है। अब आ जाते हैं भाई कबाब की तरफ। ये आ गए हमारे कबाब। बारबेक्यू में थोड़ा सा होता है, मुझे इतनी मिर्च बर्दाश्त नहीं है। मुझे पता है इसीलिए मैंने पूछा। लोग बारबेक्यू को मिर्च पसंद नहीं करते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसको मैं दूंगा अगर जो लवर है ना स्पाइसी उनके लिए तो 10 ही होगा, ठीक है, बट मेरे लिए ये 7 और 6 है। 7 6 है। ओके, ठीक है। मैं सिर्फ कबाब उसकी वजह से, हां सिर्फ मिर्च की वजह से, बाकी ये जो है लेवल है। पैसे पूरे लेवल है। पैसे पूरे होते कि नहीं? पूरे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। तो गाइस मेन्यू है और मेन्यू के रेट्स आप देख सकते हैं। ये आ गए हमारे स्टेक के रेट, ये नमक मंदी के। गाइस वैसे एक बात है यार, थोड़ा सा हमारा जो है ना मेन्यू वो एक्सपेंसिव है क्योंकि हमने जो है ना वो टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बड़े ब्रांड्स के यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारा खाना जो है ना वो काफ़ी लजीज होता है और उस पर काफ़ी खर्चा आता है। वैसे भी महंगाई हो चुकी है, अगर आप 1 साल पुराने वाले रेट के अगर आप सोच के अगर कुछ चीज़ खाते हो तो वो तो अब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली आपको, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। तो हमने रेट ऐसे रखे हैं कि जिससे आपको खाने में भी मज़ा है और घर ले जाने में भी मज़ा है और दोबारा आकर खाने में भी मज़ा है। ये था हमारा पूरा का पूरा रिव्यू और डिटेल जो कि मेरे रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट की थी। और गाइस जो यहाँ पर 3-3 या 4-4 दिन स्टे करते हैं या कुछ हफ्ते के लिए भी कुछ कर लेते हैं तो वो बाजमात नमाज़ पढ़ सकते हैं और सुकून से
सब जगह घूम सकते हैं, हर चीज अवेलेबल है। लाइक यहाँ पर शॉप भी दी है, रेस्टोरेंट भी दिया है, गार्डन भी दिया है, पूल भी दिया है, मस्जिद भी दी है, लाइक और कुदरती तो पहाड़ और रिवर तो वो कुदरत है, बस बाकी हमने सब कुछ अपनी तरफ से पूरा दिया है कि जो लोग आए, जो लोग पहाड़ों का लुक करते हैं, जो लोग सुकून चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट। यार तुम कहाँ से आवाज दे रहे हो यार सब्सक्राइबर, तुम अभी रात के क्या टाइम हो रहा है, रात का टाइम क्या हो रहा है मुझे बताओ। टाइम को छोड़े हम आप टाइम बताओ, टाइम पता नहीं, साइड में जो टाइम बताओ। आप 12 बजे मुझे आवाज दे रहे हो यार, हम भी यहाँ पे घूमने आए, घूमने आए हो। अच्छा हमें का फोटो खिंचवाना, अच्छा खिंचवा लो, मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे यार, बट सो जाओ यार, रात हो गई काफी, जाओ भागते भागते लेकर आओ, यहीं पे रुकना ठीक है। गाइस दिल से बताऊं तो इस प्रोजेक्ट के साथ ना मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें और वांट्स जुड़ी हुई हैं कि इसको मैंने बहुत आगे लेके जाना है, आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट, पीस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि दूसरे जो रेस्टोरेंट रिजॉर्ट्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं, बट मैं कुछ उनसे थोड़ा ज़्यादा चाहता हूँ। तो अगर आप लोग कभी भी आएँ सवात की तरफ, फिज़ागढ़ की तरफ, मालम जब्बा की तरफ, मंगोरा की तरफ, तो एक बार लाजमी विज़िट करें हमारे रेस्टोरेंट को, ठीक है, और हमारे रिजॉर्ट को। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो अपना ढेर सारा, उम्मीद है आपको डिटेलिंग थोड़ी बहुत देखने में मज़ा आया होगा। सो अगर नहीं भी आया तो